हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर राजू सर फ्रॉम मैथ्स बाय कुमार राजू यूट्यूब चैनल। सो लेट अस, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है, जो हम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम यहां साइड में लिखते हैं। 4/8 1/2 -1/3 (4/6)। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तो पता है कि पहले क्या किया जाता है, भाग, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। इन सब में सबसे पहले अगर इस टाइप के रहेंगे, जैसे ब्रैकेट दिया रहेगा, तो पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को, फिर ये कर्ली ब्रैकेट को करना है, फिर इस टाइप के ब्रैकेट अगर आते हैं तो। और कई कई क्वेश्चन में इस तरह का पाई दिया रहता है, इसको सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। तो पाई को मैं इधर से यहां पर लिख देता हूं। इससे ये होगा कि फर्स्ट नंबर ये करना होगा, अगर ब्रैकेट दिया है तो 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, ठीक है, अगर ब्रैकेट दिया है तो। अब देखिए, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तरीका सीखिए। देखिए, पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4/8 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, फिर ये आ जाएगा क्या, 3 - 2/6, ठीक है, इंटू 4/6। अब क्या हो जाएगा, ये 4/8 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 4/6, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हमें भाग करना है, तो भाग के चिन्ह को गुणा बदल दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, फिर आप लिख दीजिए। अब देखिए, 6 से 6 कट गया, 4 × 2 = 8, और इस 2 से ये 2 बार कट गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में, अगर आते हैं तो, ठीक। अब इतना ही करना था, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एकदम सिंपल से सिंपल, एकदम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हम लोग सीखेंगे, ठीक, ताकि अब जब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप पीक पर एकदम सीख जाएंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अगर ये 9997, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1003 है, या तो आपके पास सिंपल तरीका है कि इनको आपस में गुणा कर दीजिए, या थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करेंगे। इस पहले को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 -3 लिख सकते हैं क्या, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 +3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी, और दूसरे में क्या बन गया, a प्लस बी, तो इसका क्या आएगा आंसर, सीधे स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले का स्क्वायर हो जाएगा, 140 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या जाएगा, 40 है तो सीधा ये 80 लग जाएगा, कितना हो गया, 3 × 3 = 6 = 8 हो गया, -9। अब इसी को बस घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और बाकी ये जितने हैं सब जगह पर 9 आएंगे, कितने हैं, 3 × 3 = 6 = 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए आपके ऑप्शन में कौन है, पहली बार देखिए, यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ भी 11 है, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में कोई होगा। तो 9 की संख्या काउंट किया जाए कितना है, 7, तो पहले में देखिए 6 दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, यानी आपका आंसर हो गया सी। अब इसमें देखिए 7 है,
तीन, तीन छ सात, ठीक है। तो अगर आपको ये अलजेब्रा के फार्मूले याद हैं तो बहुत सिंपल तरीके से इसी तरह आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, एग्जाम में सीधा हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं और सीधे ये तो कैलकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, सिंपल वे। अब मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार इसको लिख भी सकते हैं, ये फार्मूला होता है, हमने इसी का उपयोग किया है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, इसका गुणा करना है, ठीक है। तो क्या है ये, देखिए 0.00175 इंटू 8000, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपस में अगर गुणा किया जाए तो कैसे किया जाएगा, पहले जीरो को देखिए, कितने जीरो हैं आपके पास, इसमें तीन जीरो हैं ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये तीन स्थान दाहिने खिसक जाएगा, कहने का मतलब क्या, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1.75 × 8, ये आ गया इसको। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं आराम से, 8×5=40, 8×7=56 और 8×8=6=14, दो अंक पे दशमलव लगानी है, दो अंक पे लगा दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है कि 175 मान लीजिए हमने इसका ये वैल्यू ले लिया 175, ठीक है, और गुणे हमने किया है क्या 1000 से, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 175 के आगे तीन जीरो लगेगा। अब देखिए 175 वाले में पॉइंट कितने स्थान पर, पांच स्थान पर दशमलव है, तो अब 1, 2, 3, 4, 5 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लगे यानी 1.75, इस तरह हमने किया है, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को, अब देखिए ये किस में आया है, UPSI 2017 का ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। अगला देखिए, इसको कैसे हल करेंगे आप, हमने क्या आपको बताया है कि पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर कर्ली करते हैं, फिर बड़ा करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है 48 + 25 − 20 − 11 − 16 × 4। अब देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करिए, तो क्या करेंगे हम इसको, अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 − 8 × 4, फिर ये क्या आ जाएगा 11 − 32, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा −21, ठीक है। तो अगली लाइन यहाँ से लिखिए, अब इन सब को लिख के थोड़ी हम चलेंगे, ऐसे चलिए आप 25 − ये आ गया 20 और माइनस, इसका रिजल्टेंट आया है −21, इस तरह से ये आ गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे आप 48 + 25 − 20 + 21, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 48 + 25 − अब इसको जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा 41, अब ये क्या आ जाएगा 48, अब इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, अब इसको घटा लीजिए आप यानी 32, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व, अब देखिए हमने एक एक स्टेप आपको लिख के दिखाया है इसलिए समय लगा है इसमें, अब वैसे कैसे हम लगाएंगे, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 2×8=16, 8 हो गया, फिर ये 4 का गुणा करेंगे 32, 11 घट जाएगा यहाँ पर आ गया −21, फिर आ जाएगा ये प्लस यानी बीच में आ गया यहाँ पर 41, ठीक है, और बाहर है माइनस, तो 25 − 41 करेंगे, फिर ये क्या करेंगे 48 − 16, सीधे आंसर आ गया क्या 32, बस इतने करना है। ये मैं आपको लिख करके सिस्टमेटिक आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हमें पूरा लिख के आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है।
इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये इक्वेशन में दे दिया है और इसमें आपको यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के अगर आ गए तो क्या करेंगे आप, क्या लिखा है 3.352 माइनस 9.759 माइनस एक्स माइनस 19.60 इक्वल टू 7.052। अब देखिए इसमें जो है मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव है, तो हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3352 माइनस, अब इसके अंदर गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये तो पूरा आ जाएगा 9759 और ये क्या हो जाएगा 1000 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस और ये क्या आ जाएगा 19.64 क्योंकि 3 अंक आएंगे इसमें, और ये आ जाएगा 7052। दशमलव का खेल खत्म, अब करना है इसको सॉल्व, तो करिए 3352 इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, 9759 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000x माइनस 19640 इक्वल टू 7052 ये आ गया। अब क्या करिए, अब इसको क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ऐड किया जाए तो ये क्या आ जाएगा 3352 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड कर लीजिए माइनस के साथ है, तो क्या आ जाएगा ये 9 फिर 5 4 9 फिर ये 7 6 13 9 9 18 1 9 2 ये आ गया, प्लस 1000x 7052। अब क्या करना है, इसको घटा लीजिए इधर, ये क्या आ जाएगा माइनस 7 4 0 6 2 ये आ गया, ऐसे लिख दीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 1000x, इसको ले जाके इधर प्लस हो जाएगा, ये यानी क्या आ जाएगा, ये 7052 प्लस के साथ आ जाएगा क्या कि 26047, जोड़ लीजिए इसको क्या आएगा, ये 7 2 9 5 4 9 0 7 6 13 2 1 3। अब देखिए ये क्या आया है, 1000 के बराबर है ये, तो फिर आएगा क्या 1000x इक्वल टू यही, और जब x में इसमें 3 1000 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 अंक पे दशमलव लगेगा पीछे से, यानी 33.099 यही उत्तर आ गया x का। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, और आपका डिपेंड ये करेगा कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ये, लेकिन आप एक दो बार जब लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से लग ही जाते हैं। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये भी UPSI 2017 के क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 96 फिर 24 इंटू 0.75 इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 12 96 फिर ये क्या जाएगा, अब देखिए 75 में 24 से गुणा करना है। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे रहेंगे तो इसमें हम आसानी से करना, 4 5 20 ठीक है, फिर 4 7 28 और 2 30 10 40 4 7 14 4 18 तो ये आ गया क्या 1800। ये आ गया, और 1800 तो आया है लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, इसको हम फिर से लिख देते हैं, और 2 अंक पे दशमलव जब लग गया तो क्या आ गया 18 आ गया।
अब सीधे इसको भाग दीजिए, कितना होगा 18 7 126, 3 18 36, यानी 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए तीन लाइन में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास है, सिंपल है। और ये किसमें आया है, यूपीएसआई, सोचिए डबल स्टार दरोगा में ये आया हुआ है, दो भी 2017 में, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका लेवल नीचे रहेगा, नहीं, लेवल हाई लेके चलेंगे ताकि अगर कितना हूं आ जाए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नो एनी क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट इन योर एग्जाम, लेकिन आप प्रॉपर अगर इस हमारे साथ बने रहे तो। अब देखिए वन बाय वन वीडियो पढ़ रहे हैं आप, एक वीडियो को छोड़कर दूसरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसमें प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दिया है। आपको अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप सीधे मैथ्स बाय कुमार राजू सर्च करिए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम पर क्लिक करिए, टोटल वीडियोज आपको नंबर सिस्टम के एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको स्टैटिक्स का मिल जाएगा, अलजेब्रा का, फिर जो है कि ज्योमेट्री का, ठीक, एलसीएम एचसीएफ का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर ये पाई आ गया ना तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 के ऊपर बार है, फिर ये सब क्वेश्चन कोष्टक बंद है। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, ये देखिए अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको करना तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, आंसर हो गया 3, कोई जरूरत ही नहीं। अब मैं ये कैसे लिखा हूं आप उसको भी देख लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ सीधे लिखा हूँ, आगे आप इसको बार बार लिखेंगे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस फिर 6 माइनस, अब इन दोनों को साल बनेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, फिर इसकी वैल्यू 3 आ गई, फिर आप लिखेंगे 6 माइनस 6 माइनस, इसकी वैल्यू 3 आ गई, 6 माइनस 3, फिर आ गया 3, बात तो वही है, ठीक है। एकदम आप क्वेश्चन को देखिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना तो एक बार ध्यान से उसको देखिए और सोचिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आसानी से हमको आंसर आ जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने प्रोसेस क्या उपयोग किया है, एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या है ये 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है, और इस पे बार लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस, और 8 में से 5 जाएगा, फिर 3 बच गया, यही तो हो गया, फिर एकदम सिंपल है, 7 माइनस 3 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 माइनस 7 में 3 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 माइनस 2, यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन, जब इसका नाम ही है सरलीकरण, ठीक है, तो क्या करना हमें सॉल्व करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय में, कितने कम टाइम में, कौन से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन वाला हम आपको बताए हैं कैसे करेंगे, देख लीजिए। चलिए इसका मान क्या आएगा 3 आएगा, 6 में से 3 घटेगा फिर 3 आएगा, फिर ये 7 बचा, 7 में से 3 घटेगा फिर 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 2 घटेगा, सीधे आपका 8 उत्तर आएगा। एक लाइन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे और ठीक भी रहेगा। चलिए
ये तो क्वेश्चन था आपका। अगला देखिए, इसका मान बताना है अब, तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। 3.8 प्लस 8.2 4.1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.2। अब देखिए, पहले हमें ब्रेकेट सॉल्व करना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.8 प्लस, अब ये 4.1 से 8.2 ये 2 बार कटेगा और ये 2 में इसकी इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये 2 से गुणा हुआ यानी आ गया यहाँ पर 4 माइनस 4 गुणे। अब देखिए ये भाग देना है, आप चाहे तो इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए 3.1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 4 माइनस 4, अब इंटू है ये, ठीक है, तो इंटू भी यही कर लेते हैं। देखिए 4 से कट जाएगा कितनी बार, 0.3, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप चाहें तो 3 30 अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है तो हमने 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, तो आप लिख सकते हैं कि 3.8 प्लस 4 माइनस 10, अब ये क्या जाएगा, प्लस प्लस को इकट्ठा करिए यानी 7.8 माइनस 10, और जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कैसे घटाएंगे ये भी देख लीजिए, 10.0 माइनस 7.8 ऐसे ही तो घटाएंगे, ये क्या आ जाएगा 2, ये 2, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या दिया हुआ है, 3.6 इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 16 4 माइनस 6। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे अगर लिखना चाहें तो 6 अपॉन 3.6 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 0.25 इंटू, भाग दे दीजिए 4 चौके 16। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करिए, क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव अगर हटेगा यहाँ से तो ये ऊपर 0 बढ़ जाएगा, फिर आप 6 से भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, या 12 से भाग दीजिए ना, देखिए 12 पच्चीस 8 और ये कटेगा तो 12 3 36 यानी यहाँ क्या जाएगा, 5 2 10 3 आ गया प्लस। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 और 2 अंक पे दशमलव लग गया माइनस 6 यानी 10/3 प्लस, ये क्या है, 1 घट जाएगा इसमें, माइनस 5 हो गया ना, तो ये सीधा आ जाएगा 10 माइनस 15 अपॉन 3 यानी -5/3। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो इसी क्वेश्चन को आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। देखिए हमारा टारगेट ही यही है कि ना, कि हम लोग इसको 20 मिनट 25 मिनट का ही, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो रखेंगे और छोटे छोटे पार्ट में आपको मिलते रहेंगे 1 2 3 4 करके, और आप इसको देखिए और लाभ उठाइए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे अच्छे तरीके से कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।